सो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, और एक ट्रेन जर्नी में आपका मैं स्वागत करता हूं झारखंड की धरती टाटा नगर रेलवे स्टेशन से। तो आज जो मैं ट्रेन जर्नी कर रहा हूं वो फ्रेंड आपको मैं बता दूं, वो ट्रेन जर्नी मैं कर रहा हूं टाटा नगर रेलवे स्टेशन से। और जिस ट्रेन में अगर जर्नी कर रहा हूं उस ट्रेन की अगर नंबर की बात करूं आपसे, तो उस ट्रेन का नंबर है 20898 वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि चलती है रांची रेलवे स्टेशन से हावड़ा के बीच में। तो हमारी जो आज ट्रेन जर्नी होगी फ्रेंड वो रांची से हावड़ा नहीं होने वाली, हमारी जो आज ट्रेन जर्नी होगी वो होगी टाटा नगर रेलवे स्टेशन से हावड़ा तक की। तो वंदे भारत एक्सप्रेस में हमारी गाड़ी यहाँ आती है, वंदे भारत एक्सप्रेस आएगी टाटा नगर 9:30 बजे, 3 मिनट डिले दिखा रही है। और यहाँ गाड़ी आती है, यहाँ से गाड़ी में बोर्ड करता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा ट्रेन में कैटरिंग सुविधा कैसा है, वंदे भारत का इंटीरियर वगैरह भी आपके वंदे भारत की इंटीरियर वगैरह भी आपके साथ शेयर करूंगा, सारा कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। ये कौन सी रूट होके जाती है, क्या है, सारा कुछ बताऊंगा आपको। तो आप अंत तक बने रहे हमारे इस ब्लॉग में, ट्रेन आती है वो भी आपको दिखाऊंगा। और आज जो मैं जर्नी कर रहा हूँ तो अकेले नहीं कर रहा हूँ, हमारे साथ जर्नी कर रहा है, आपको मिलाता हूँ, ये विक्की। तो विक्की भी हमारे साथ आज जर्नी कर रहा है हावड़ा तक, और हम लोग जा रहे हैं हावड़ा क्यों वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगी, नहीं विक्की, तो नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। और विक्की हमारा भतीजा है, चलते हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो हावड़ा का दिखाऊंगा आपको, और मैं पहली बार जा रहा हूँ वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग। तो चलिए अभी हमारी गाड़ी आती है, फिर मिलता हूँ आपसे। तो फ्रेंड हमारी रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस आप देख लो 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, देखिए प्लेटफॉर्म में घुस रही है, उस ओर देखिए टाटा नगर रेलवे स्टेशन, और ये हो गई हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सा बोगी में है हम लोग का, और इधर देख लीजिए भाई हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस 5 नंबर पे आ गई, रांची से खुलने के बाद टाटा नगर पहुंच चुकी है। सी6 तो हमारी गाड़ी देखिए आ चुकी, और हमारा जो रिजर्वेशन है सी6 में, और सी6 सबसे आगे होगी, तो जा रहा हूँ अपनी बर्थ पे। हमारी वंदे भारत में आप देखिए यहाँ से काफी पैसेंजर वोट कर रहे हैं इस ट्रेन में, और काफी आपको भीड़ भाड़ दिखेगी इस ट्रेन में, देख लो ये है भाई इंडियन रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस। तो लेट हो गई टाटा नगर में बंद वंदे भारत एक्सप्रेस की, इधर देख लो पूरा गेट बंद, और अभी दिखाता हूँ आपको डिपार्चर टाटा नगर से। तो फ्रेंड आप इस ओर देख लो, टाटा नगर के 5 नंबर प्लेटफॉर्म से हो चुकी हमारी ट्रेन की डिपार्चर, और इसके बाद जो हमारी गाड़ी यहाँ से खुली है तो डायरेक्ट हमारी गाड़ी अब रुकेगी खड़गपुर में, तो आपसे मैं मिलता हूँ खड़गपुर में। अभी खड़गपुर तक हमारी गाड़ी नॉन स्टॉप चलेगी, टाटा नगर के 5 नंबर प्लेटफॉर्म को स्किप करते हुए आप देख सकते हो वंदे भारत एक्सप्रेस को, रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। और देखिए उस ओर आई है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे बिलासपुर पटना एक्सप्रेस, ये पटना से आई है बिलासपुर जाएगी। हमारी गाड़ी अभी खड़गपुर से खुल चुकी है, आप देख लो इस ओर, और मैं तो बाहर रुक गया नहीं क्योंकि गाड़ी कभी भी खुल जाती है। तो अभी फ्रेंड मैं आपको दिखा दूं वंदे भारत एक्सप्रेस की वॉशरूम, यहाँ पे आप देख लो बड़ी सी मिरर हो गई है, और इधर हो गई ये देख लो वॉश बेसिन,
पानी आ रही है और इस ओर उड़ रही है हैंड ड्रायर। आप देखो हैंड ड्रायर और उधर हो गई, अभी इधर देख लो ये हो गई सहवास, और ये देख लो कुछ इस तरह का लॉक वगैरह है, ये टूट गया है, ये टावर रहेंगी। और इधर तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, इस ओर फ्लैश आप देख लो, अगर आप बाथरूम की यूज करते हो तो आप फ्लैश जरूर करो, काफी सफा सुथरा बाथरूम है, क्यों ना हो फ्रेंड, क्योंकि ये वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की प्रीमियम ट्रेन। और ये हो गई नो स्मोकिंग, अगर आप यहाँ पे स्मोकिंग करते हैं तो पकड़े जाएंगे। तो ये अभी मैं फ्रेंड आपको दिखा रहा हूँ, देखिए वहाँ लिखा हुआ है इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, आपकी अगर आपातकालीन में कोई इमरजेंसी होती है तो आप ड्राइवर से ये ग्रीन बटन दबा के आप बात कर सकते हो, अगर आपकी कोई इमरजेंसी है तभी आप इसे दबाएं, अन्यथा आपको फाइन भी किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए निर्देश भी लिखा हुआ है। तो ये कुछ फीचर है वंदे भारत की। और अगर इधर दिखाऊं गेट के पास, आप देखो सेफ्टी पर्पज से कैमरा हो गई उसको, और यहाँ स्पीकर हो गया, नेक्स्ट स्टॉपेज आने वाली हो अनाउंस किया जाएगा यहाँ, और एक कैमरा इधर। तो अभी फ्रेंड आपको मैं दिखाता हूँ इसी कोच का इंटीरियर, इसमें 2x2 की सिटिंग कॉम्पोजिशन रहती है। आपको दिखा दूं इधर फ्रेंच फ्राई हो गई, 2 कटलेट हो गई, 2 स्लाइस ब्रेड की, ये हो गई केक, और ये हो गया फ्रेंड बटर कॉफी, और ये हो गई जैम, और सैनिटाइजर भी भाई साहब किया गया है। स्कीप होते हुए खड़गपुर से खुली है और स्टेशन स्कीप पे स्कीप हो रही है। तो अभी आपको दिखा रहा हूँ सीसी कोच की इंटीरियर, ये हो गई लेग स्पेस, 1 लीटर की बोतल होल्डर, और यहाँ हो गई चार्जिंग सॉकेट, और ये हो गई बड़ी सी विंडो। और ये सीट पुश बैक कर दे, और ये हो गई ट्रे टेबल, आप यहाँ पे खाना वगैरह भी खा सकते हो, कुछ काम है तो कर सकते हो।
आप देख लो लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन के साथ हो गई हमारी क्रॉसिंग। जस्ट अभी हावड़ा स्टेशन पहुंचने वाली है। ये फ्रेंड आपको मैं दिखा दूँ वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंच चुकी हावड़ा जंक्शन। और देखिए हावड़ा जंक्शन के 25 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है और इस ट्रेन की दीवानगी आप लोगों में देख सकते हैं भाई, जो जहां है देखिए फोटो क्लिक करते हुए अभी तक इसकी दीवानगी बनी हुई है। और ये हावड़ा जंक्शन का 25 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है हमारी रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये चलती है ब्लू और वाइट कलर के साथ में, काफ़ी सुंदर लग रही है कलर आप देख लो। और अभी जो केसरिया वंदे भारत किया गया है उसका रीजन दिखा दूँ आपको जूम करके, तो यहाँ पे आप देखो ये देखिए वाइट कलर में काफ़ी गंदी हो रही है, उस वजह से ऐसा किया गया है। और फ्रेंड एक चीज आपको बता दूं, हावड़ा स्टेशन जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन है और इस स्टेशन में सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म भी है, 25 प्लेटफॉर्म है हावड़ा रेलवे स्टेशन में। सोच सकते हो भाई साहब 25 प्लेटफॉर्म, और काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया है हावड़ा रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस को सारे पैसेंजर डिवोट कर चुके हैं। तो फ्रेंड आपको बता दूं हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंच चुकी फाइनली हावड़ा जंक्शन। और बता दूं हावड़ा जो हमारी ट्रेन आई है वो 10 मिनट बिफोर ही आ गई हावड़ा जंक्शन। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हावड़ा जंक्शन और बता दूं आपको ट्रेन यहाँ पे आई है 25 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो आपको अगर ये वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी टाटा से हावड़ा तक की पसंद आती है तो आप लाइक करें, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।